फालतू में तनीषा आयान से बहुत मोहब्बत प्यार करता है, आयान के पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कई हद पार कर सकता है। लेकिन 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 इस बीच में टर्न अ ट्विस्ट ये आ गया कि तनीषा का सब पोल खुल गया। आयान जेल भी गया इनके ही कारण, आयान के घर भी बिका इनके ही कारण, मतलब तनीषा और कनिका, वो दोनों को पोल कौन खोला सीए। आप लोगों को बता दूं अंदर की खबर कि तनीषा जेल जा चुकी है। अभी तनीषा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तनीषा इसलिए गया जेल क्योंकि उसका पोल, इसका सीए जो आयान का, मतलब मास्टर जी का जो सीए है, सब उसका खिलाफ पुख्ता प्रूफ निकाल के और पुलिस को पूरा सौंप दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और तनीषा के काम भी पहले से मुकाबले बहुत कम आ रहा है। पहले हर दिन शूट करती थी, आज कभी कभी आता है। मतलब शो में एक नया हीरो भी एंट्री हो चुका है, रोहान नाम का, जो सनाया का भाई है। सनाया भी अभी सेकेंड लीड हीरोइन बन चुका है। लेकिन आयान के, मतलब आकाश आहूजा के अलावा भी दूसरा हीरो एंट्री कर चुका है। ऐसा तो नहीं है फालतू और रोहान का रोमांस शुरू कर देगा। शो में कुछ भी हो सकता है। शो के थोड़ा टीआरपी गिर गया है, इसके लिए शो में बहुत कुछ होने वाला है और नया नया चीज़ आने वाला है। हम चाहते हैं कि शो आप लोगों को दिल जीते, चाहे कोई भी कैसे भी स्टोरी हो, लेकिन चाहते फालतू आप लोग देखे और उनको प्यार दे। तनीषा हंसमुख प्यारी सी बुढ़िया जैसे लग रही है, लेकिन नेगेटिव में खतरनाक रोल कर रही है। इसने बहुत सारे शो किए पर पहचान इसका इसी शो से फालतू से मिल रही है तनीषा। हम उम्मीद करते हैं कि शो को आप लोग टाइम मिले तो ज़रूर देखें। और ये तनीषा बता रही है जो भी की, क्योंकि हमारे मोबाइल, हमारे फ़ोन में साउंड में हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए हम आपको वॉइस मैसेज के द्वारा आपको बता रहा है कि टर्न और ट्विस्ट तो बहुत कुछ आ रहा है। कब क्या आएगा तनीषा खुद को नहीं पता है, लेकिन हाँ जो भी आ रहा है उसका रोल को उनको बहुत प्यार मिला शो में, वो बता रही है। और भी अच्छा काम करना चाहती है लाइफ में, वो बता रही हैं। और हम बता दें अंदर की खबर कि इसमें और भी बहुत सारे लोग एंट्री होने वाला है शो में। और शो का जो रोहान है, मैं रोहान जो है फालतू को एक शर्त दिया है, जो क्रिकेट खेलेगी सिर्फ सनाया के लिए, लेकिन ये खबर किसी और को नहीं पता। इसके लिए एग्रीमेंट बॉन्ड पेपर बनाया है दोनों ने, ये पेपर कभी लीक न हो जाए। फालतू कब तक मास्टर जी को झूठ बोलेंगे, क्योंकि ये झूठी बुनियाद कभी झूठ कभी बोलते ही नहीं, झूठ फालतू बोलती नहीं है ये कहना है। लेकिन मास्टर जी आयान इसको आँखों में पकड़ लेते, कुछ न कुछ फालतू उनसे छुपा रही है। क्या छुपा रही है फालतू आयान से, ये तो पोल भी खुलना बाकी है। हम तो बता दो वही छुपा रही है जो एग्रीमेंट पेपर बना है। खेलेगी सनाया के लिए, लेकिन नाम फालतू का नहीं सनाया के होगी, मास्क लगा के खेलेगी यही क्रिकेट एकेडमी में। तो ये इसके मास्टर माइंड है रोहान, जो एक एहसान के तौर पे जो मित्तल फैमिली को रहने दिया है अपने घर में, 70 करोड़ के घर खरीदा, जो नीलाम हुआ था तो रोहान ने घर खरीदा था, उसी को गचाती तो तनीषा भी चाह रहा था घर खरीद करके आयान को गिफ्ट देने के लिए, लेकिन इतनी बोली लग गई कि उनके माँ के पास पैसा ही नहीं था। इसी कारण इसका फ़ायदा उठाते हुए रोहान ने 70 करोड़ में घर की बोली लगा करके वो जंग तो जीत गया, लेकिन मास्टर जी फालतू को रोहान से कब तक बचा पाएगा। रोहान का नज़र तो लग चुका है मेरे ख्याल से, इश्क मोहब्बत प्यार ऐसा ना हो। ऐसे जोड़ी आकाश आहूजा निहारिका चौकसी को बहुत लोग पसंद करते हैं, ये जोड़ी को ये टर्न दे रही है, ये स्टाइल, वाह तनीषा बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपको ये बता दूं कि बर्थडे वाला दिन सरप्राइज जो दिए थे, घर पे आया कोई नहीं था, तो आयान को ऐसा लगा कि बर्थडे सब भूल गया, अचानक लाइट जलेगा और उनको सरप्राइज मिलेगा आयान को कि मेरा बर्थडे है आज, मुझे खुद को भी याद नहीं, घर वाले ने मुझे एक सरप्राइज दे दिया। फालतू उनके लिए केक बना कर लेकर आई थी, वही सब हो रहा है आप लोगों के बीच।